पुलवामा हमले के वीर सैनिकों की शहादत को उज्जैन में किया गया नमन। उज्जैन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विगत वर्ष 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में हमारे सीआरपीएफ के 40 वीर जवान शहीद हुए थे। शुक्रवार को उनकी शहादत को याद करते हुए शहर के विभिन्न संगठनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। शुक्रवार शाम को अखंड हिंदू युवा संगठन जिला उज्जैन इकाई द्वारा टावर चौक से कैंडल मार्च निकाला गया, जो शहीद पार्क पर स्थित शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई तथा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर अखंड हिंदू युवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष अनिल भाई चंदेल, जिला अध्यक्ष अरुण मालवीय, उपाध्यक्ष संजय मीणा, राजेश गौण, सत्यम ठाकुर, सोनू कलमिया, ओम चौधरी, लखन राजपूत, सन्नी शर्मा, अक्षय ठाकरे, कार्यालय मंत्री राहुल राठौर, रमेश प्रजापति, आशीष ठाकुर, राजपाल सिंह चावड़ा, जयसिंह पवार, ग्रामीण अध्यक्ष विलास कुशवाहा, सहदेव माहेश्वरी, नगर अध्यक्ष मोहन नागर, हरीश माली, चेतन वर्मा आदि उपस्थित थे। आज अखंड हिंदू युवा संगठन उज्जैन और मध्य प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चंदेल जी के साथ मिलकर पूरी जिले और नगर की टीम ने शहीदों के नाम श्रद्धांजलि दी और कैंडल मार्च निकाल के कैंडल मार्च जलाए गए, 2 मिनट का मौन व्रत रख के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जय श्री राम। आज के दिन पिछले वर्ष पुलवामा में हुए हमले में अपने भारतीय 40 जवान शहीद हुए थे, उनकी पुण्यतिथि बरसी को ध्यान में रखते हुए आज मौन व्रत कराएगा, कैंडल मार्च निकालगा। भगवान से प्रार्थना है कि उनको लोगों शांति मिले। भारत माता की जय। आज अखंड हिंदू युवा संगठन उज्जैन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष हमारे अनिल कुमार चंदेल जी और जिला अध्यक्ष अरुण मालवीय जी की उपस्थिति में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल मार्च निकालकर जो पिछले साल पुलवामा में जो हमले हुए थे उसमें अपने भारत के 40 जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जय श्री राम।